गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है मयंक शर्मा और आज मैं आपके सामने बाबा तिलका मांझी के बारे में बताने वाला हूँ। पर इस सेशन को शुरू करने से पहले जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिनको हमसे कुछ लाभ मिल रहा है ज्ञान के प्रति, तो आप इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी सेशन है आज का वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वो सेशन है जिसमें हमारे झारखंड बिहार के जो अनसंग हीरोज हैं, जो जिनके बारे में बुक्स में नहीं लिखा हो गया, अच्छे तरीके से व्याख्या की नहीं गई है, ये हमारा दायित्व है कि हम हर जगह इस चीज को बताएं, शेयर करें। नाम तो बहुत सुना होगा आपने, लेकिन जो हमारे अनसंग हीरोज हैं, जिनको हमने देखा है, जो अगर कहा जाए कि सही मायने में बोला जाए कि सबसे पहला जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई किए थे, सबसे पहले जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई किए थे वो कौन थे, तो बाबा तिलका मांझी थे। किससे किए थे? अंग्रेजों से किए थे। तो जो पहला व्यक्ति थे वो ये थे। तो आपको ये समझ में आ रहा हो कि इनके इनको जानने के लिए कितना ये इम्पोर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि आजादी सिर्फ एक जगह को नहीं, ये पूरे राष्ट्र को मिली और इसमें इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। तो जो भी हमारे झारखंड से है वो जरूर से जरूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ये सबको पता चलना चाहिए इनका योगदान क्या था। ये हमारे अनसंग हीरोज है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाबा तिलका मांझी, इनका जन्म 11 11 फरवरी में हुआ था 1750। 11 फरवरी 1750 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 13 जनवरी 1785 में। अब ये बोल क्यों रहा हूं, 11 फरवरी 1750 और मृत्यु 13 जनवरी 1785, ये कितना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, कितना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये देश के पहले अंग्रेजों से लड़ने के लिए स्वतंत्रता सेनानी का इनका पहला टैग लग रहा है, तो ये कितने प्रोमिनेंट हो, कितने कम सालों में इनका इम्पैक्ट क्या था। तो इनके जीवन की जो लाइफ थी वो शॉर्ट तो था, छोटा था, पर इनका इनका जो जो व्यक्तित्व व्यक्तित्व था था वो वो बहुत बहुत ही ही बड़ा बड़ा था। था। तो चलिए चलिए शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। बाबा तिलका मांझी, या इनका उपनाम बोला जाता है जबरा पहाड़िया बोला जाता था, यह पहले आदिवासी नेता थे जो मंगल पांडे से भी लगभग 70 साल पहले 1784 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। तो मंगल पांडे जी ने जो किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इन्होंने भी ये काम किया और इनको इनके साथ भी जस्टिस होना चाहिए। तो ये जब पहला स्वतंत्रता सेनानी थे तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर कोई पूछे कि पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था जो अंग्रेजों से लोहा लिए, तो वो बाबा तिलका मांझी थे। मैं बार बार इस चीज को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इनका कारण क्यों था, ये क्यों इस तरफ से लड़े? तो सबसे पहले अंग्रेज हमारा जमीन जमीन ले लेते थे, हम पे अनावश्यक टैक्स लगाते थे, कर लगाते थे, परेशान करते थे कि आप गैर मजूरी काम कीजिए हमारे यहाँ। तो ये सारी चीजों से आदिवासियों का कन्वर्जन, तो ये सारी चीजों चीजों से से परेशान परेशान हो हो जाते जाते थे, थे। तो तो इस इस चीज चीज से से तिलका तिलका मांझी मांझी बोले, बोले नहीं, नहीं, लड़ना लड़ना तो तो है है इन इन लोगों लोगों से। से। तो ये क्या तो किए, ये ये आदिवासियों आदिवासियों का का एक एक सशस्त्र सशस्त्र समूह समूह बनाने बनाने लगे। लगे, जब जब सशस्त्र सशस्त्र समूह समूह बनाने बनाने लगे, लगे, संगठित संगठित करने करने लगे, लगे, तो तो ये ये अंग्रेजों अंग्रेजों की की आंखों आंखों में में खटकने खटकने लगे। लगे। अगर हम बोला जाए, अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊं, तो ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके जन्म के बारे में मैंने आपको बता चुका है। अगर इनको कहा जाए कि इनके इतिहास में कभी भी उचित स्थान नहीं दिया गया, और इन्होंने 1771 से 1784 तक अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों के प्रसिद्ध विद्रोह में नेतृत्व किया। इन्होंने नेतृत्व ही नहीं किया, इन्होंने जोड़ के रखा सारे आदिवासियों को, ये जो हमारा मेन मकसद उसको हम कैसे फुलफिल फुलफिल कर कर सके, सके, तो तो उस उस चीजों चीजों के के लिए लिए वो वे बहुत बहुत ही ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे। थे। इन्होंने इन्होंने एक एक बार बार तो तो रामगढ़ रामगढ़ कैंप कैंप को को ही ही मोर्चा मोर्चा बनाकर बनाकर छीन छीन लिया लिया था। था। और और जो जो सबसे सबसे अच्छा अच्छा था था या या अच्छा अच्छा बोले बोले कि कि क्लीवलैंड क्लीवलैंड की की जो जो हत्या हत्या हुई हुई थी, थी, ये ये पेड़ पेड़ इनका इनका काम काम क्या क्या था था कि कि ये ये पेड़ पेड़ पे पे चढ़े चढ़े हुए हुए रहते रहते हैं, हैं, तो तो जब जब भी भी कोई कोई समूह समूह जा जा रहा रहा होता होता था था अंग्रेजों अंग्रेजों का का किसी किसी पर पर अटैक अटैक करने करने के के लिए, लिए, तो तो ये ये ऊपर ऊपर से से ही ही तीर तीर मार मार के के उनकी उनकी हत्या हत्या कर कर देते देते थे। थे। तो ये सारी चीजों से देखे, जब सबसे पहले मजिस्ट्रेट जो थे अगस्टस क्लीवलैंड की जब हत्या होती है 1784 में, तो यह देख करके अंग्रेज बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस क्षेत्र में कोई हमसे लड़ने के लिए कोई प्रॉपर आदमी आ चुका है, कोई प्रॉपर इंसान आ चुका है जो प्रॉपर तरीके से सब चीजों को अच्छे से व्यवस्थित ढंग से चला रहा है। तो तो इन्होंने इन्होंने इस इस चीज चीज को को तोड़ने तोड़ने के के लिए लिए काफी काफी षड्यंत्र षड्यंत्र रचे। रचे।
और इस षड्यंत्र को मांझी ने, तिलका मांझी ने रोकने के लिए एक अपना सेना बनाया जिन्हें गुरिल्ला सेना कहते हैं। अब इससे एक कहानी है, या कहानी आप बोलिए, जो एक कथा है कि मांझी को पकड़ने के बाद, एक बार इनको पकड़ा गया, पकड़ लिया गया था 1784 में, और इनको पकड़ने के बाद चार घोड़ों से बांधकर भागलपुर तक घसीटा गया था, और मीलों घसीटने के बाद भी यह योद्धा जीवित रहा। शरीर पर खून था, पर इनके हौसले अडिग थे, दिमाग दिमाग जल जल रहा रहा था, था, आंखों में रक्त लाल रक्तलाल दिख दिख रहा रहा था, था, और यह यह चीज चीज अंग्रेजों अंग्रेजों के के दिलों दिलों में में भय भय पैदा पैदा कर कर दी, दी, क्योंकि क्योंकि मीलों मीलों दौड़ाने दौड़ाने के के बाद, बाद, मीलों मीलों घसीटने घसीटने के के बाद बाद, अगर अगर इनकी इनकी मृत्यु मृत्यु नहीं नहीं हुई हुई है है तो तो कुछ कुछ कारण कारण था। था। और 13 जनवरी 1785 में उन्हें भागलपुर में एक सड़क चौराहे के बीच विशाल बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। तो अगर ये इंसान, ये जो व्यक्तित्व है, इन्होंने हमारे देश के लिए इतना खून पसीना बहाया, और इनको अगर इतिहास में एक प्रॉपर जगह नहीं मिली, तो ये बहुत ही अजीब बात है, जो हमारे लिए भी अजीब है और देश के लिए भी अजीब। तो इस चीज को हमें सुधारना है। ये वीडियो जहां तक जा रहा है, आप आप इसे इसे जरूर जरूर से से जरूर जरूर शेयर शेयर करें। करें। अब हम एग्जाम एग्जाम पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ व्यू व्यू से से आते हैं, जन्म जन्म और और बचपन, बचपन। तो तो मैंने मैंने जन्म जन्म बता बता दिया दिया है है 11 फरवरी 1750 11 फरवरी 1750 में, में, और इनका इनका जो जो मृत्यु मृत्यु हुई हुई थी थी 13 जनवरी 1785 13 जनवरी 1785 कहां पर हुआ था इनका जन्म? तिलकपुर नामक छोटे से गांव में हुआ था। और ये क्या थे? जब मांझी लगता है तो वो संथाली होते हैं, मांझी लगता है तो संथाली होते हैं, और इनके पिता का नाम सुंदर मुर्मू था। ये बचपन से ही जंगली जानवरों का शिकार करते थे, कसरत कुश्ती, बड़े बड़े पेड़ों पर चढ़ना, जंगली जानवरों के साथ खेलना, नदियों में घूमना। तो ये इनकी दैनिक जीवनचर्या थी, जिससे ये निडर और साहसी बन गए। अब इनका कारण क्या था, इनका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था? तो इनका ट्रिगरिंग पॉइंट अंग्रेजों के खिलाफ जो अंग्रेजी अत्याचार था, वो वो बचपन बचपन से से ही ही अपने अपने परिवार परिवार के के प्रति प्रति और और दूसरे दूसरे परिवार परिवार के, के, दूसरे दूसरे आदिवासियों आदिवासियों के के प्रति प्रति ये ये देख देख रहे रहे थे थे कि कि अंग्रेज अंग्रेज बहुत बहुत ही ही अत्याचार अत्याचार करते करते थे, थे। जो जो भी भी खेती खेती ये ये करना करना चाहते चाहते थे थे उस उस पर पर कर कर लगा लगा देते देते थे, थे, महिलाएं, महिलाएं, बूढ़े, बूढ़े, बच्चे बच्चे सब सब पर पर जाति जाति करते करते थे। थे। कोई जमीन बसाना चाह रहा है, वहां पर आकर के कर ले लेना। यह सब बातें इनके दिन ब दिन मन में आक्रोश बढ़ाते गई, और आखिरकार तिलका ने नेतृत्व में भागलपुर भागलपुर और और सुल्तानगंज सुल्तानगंज के के तरफ तरफ अपनी अपनी आर्मी आर्मी को को लेकर लेकर साथ साथ चले, चले, जो जो गुरिल्ला गुरिल्ला आर्मी आर्मी थी थी इनके। इनके। अब अब जो जो सबसे सबसे फेमस फेमस इंसिडेंट इंसिडेंट अगर अगर कहा कहा जाए जाए तो तो मर्डर मर्डर ऑफ ऑफ क्लीवलैंड, क्लीवलैंड, क्लीवलैंड क्लीवलैंड की की हत्या। हत्या। तिलका तिलका अपने अपने सेना सेना के के साथ साथ लगातार लगातार अंग्रेजी अंग्रेजी सरकार सरकार के के संघर्ष संघर्ष करते करते थे। थे। क्लीवलैंड क्लीवलैंड और और सराय सराय ने ने बहादुर बहादुर तिलका तिलका के के खिलाफ खिलाफ युद्ध युद्ध छेड़ छेड़ दिया। दिया। अब अब दोनों दोनों एक एक दूसरे दूसरे से से लड़ाई लड़ाई कर कर रहे रहे थे। थे। अंग्रेजी अंग्रेजी सेना सेना पर पर जो जो हमारे हमारे तिलका तिलका जीते, जीते, उनके उनके आदमी आदमी भी भी तीर तीर चला चला रहे रहे थे, थे, पर पर इनके इनके पास पास उतना उतना सोफिस्टिकेटेड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स वेपन्स नहीं नहीं थे, थे, आर्मरी आर्मरी नहीं नहीं थी। थी। इनके इनके पास पास जो जो भी भी चीज चीज था, था, मान मान लीजिए लीजिए कि कि एक एक तीर तीर ही ही है, है, तो तो उसी उसी से से ये ये उनके उनके प्रति, प्रति, उनके उनके तरफ तरफ ये ये चलाते चलाते थे थे एरो। एरो। अब अब इससे इससे क्या क्या हुआ हुआ कि कि क्लीवलैंड क्लीवलैंड घोड़े घोड़े पर पर चढ़कर चढ़कर जा जा रहा रहा था, था, और और तिलका तिलका ने ने अपने अपने एरो एरो से से उनको उनको मार मार दिया, दिया, और और ये ये बात बात भय भय भयभीत भयभीत कर कर दिए दिए सारे सारे लोगों लोगों को। को जो जो अंग्रेज अंग्रेज लोग लोग थे थे वो वो भयभीत भयभीत हो हो गए गए कि कि कोई कोई है है जो जो क्लीवलैंड क्लीवलैंड को को मार मार दिया, दिया, और और ये ये अपने अपने जमाने जमाने में में फेमस फेमस थे थे क्लीवलैंड। क्लीवलैंड। अब अब इस इस चीज चीज को को लेकर लेकर के के बहुत बहुत ही ही लड़ाई लड़ाई हुई, हुई, और और आखिरकार आखिरकार 13 जनवरी13 जनवरी में में इनकी इनकी मृत्यु मृत्यु हुई हुई हमारे हमारे तिलका तिलका मांझी मांझी की। की। तो तो ये ये सारी सारी चीज चीज आपको आपको ये ये बताने बताने का का है है कि कि क्लीवलैंड क्लीवलैंड की की हत्या। हत्या। अब अब क्वेश्चन क्वेश्चन क्या क्या आता आता है है एमसीक्यू एमसीक्यू में? में? एमसीक्यू एमसीक्यू में में क्वेश्चन क्वेश्चन आता आता है है कि कि क्लीवलैंड क्लीवलैंड की की हत्या हत्या किसने किसने की की थी? थी? तो तो क्लीवलैंड क्लीवलैंड की की हत्या हत्या हमारे हमारे तिलका तिलका मांझी मांझी ने ने की की थी। थी। किसने किसने की की थी? थी? तिलका तिलका मांझी मांझी ने ने की की थी। थी। याद याद रहेगा रहेगा इनका इनका जन्म जन्म याद याद रखिए, रखिए, बॉर्न बॉर्न याद याद रखिए। रखिए। किनका? किनका? क्लीवलैंड क्लीवलैंड का का नहीं, नहीं, तिलका तिलका मांझी मांझी का। का। याद याद रहेगा? रहेगा? जी जी हाँ, हाँ, क्यों क्यों नहीं नहीं याद याद रहेगा। रहेगा। तिलका मांझी की गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑफ तिलका मांझी। एक रात जब तिलका और उनके क्रांतिकारी साथी नित्य गीत और उत्साह हर्षोल्लास में खोए थे, तभी अचानक से गद्दार सरदार जोधा ने अचानक संथाली सेना पर आक्रमण कर दिया, परंतु कई सैनिक शहीद हुए, पर तिलका मांझी यहां से बच गए, और भागलपुर के मतलब सुल्तानगंज के पहाड़ी पर ये छुप गए। पर पर यह यह इलाका इलाका उतना उतना सेफ सेफ नहीं नहीं था, था, वहां वहां पे पे अंग्रेजी अंग्रेजी सेना सेना ने ने
इन्हों घेरा और मारने के लिए तत्पर हो गए। निष्कर्ष क्या निकला? 1785 में तिलका को बाबा तिलका को बरगद के पेड़ पे फांसी दे दिया गया। तिलका पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की गुलामी से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो 90 वर्ष के बाद 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का रूप लिया। तो अगर मैं कहूं कि पहला स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी थे, तो जी हाँ, वो तिलका मांझी थे और इन्हें इतिहास में जगह नहीं मिली। तो ये इस तरीके से मैं आपको इमोशनली कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद तभी रहेगा जब आप समझ पाएंगे कि वह इंसान हमारे लिए क्या किया, पूरे देश के लिए क्या किया। तो आप इस तरीके से याद करके रखिए। और भागलपुर के दरबार में इनकी प्रतिमा भी स्थापित है और सदैव सदैव के लिए ये अमर हो चुके हैं भारत माता के सपूत के रूप में। तो यह सेशन यहीं समाप्त होता है जो हमारे प्रमुख व्यक्तियों के सेशन में है। ये दूसरा वीडियो है, आप इसे देख लीजिए और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उस तरीके से याद नहीं कीजिए कि ये सिर्फ एमसीक्यू के परस्पेक्टिव से है, आप इसे कहानी के तरह से याद कीजिए ताकि आपको एग्जाम में याद करने के लिए पड़े, ये आपके जहन में दिन तक रहे। तो चलिए, जो भी बच्चे जेएसएससी और जेपीएससी के लिए इनरोल होना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर जो नीचे स्क्रॉल कर रहा है आप मैसेज कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, अगले नए व्यक्तित्व के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो इस सेशन को यही समाप्त करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम 500 सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर से शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे तभी हम 1K माइलस्टोन पे पहुंचेंगे। तो चलिए इस सेशन को समाप्त करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।